हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है पार्ट टू Q7 कस्टमाइज का। जो हमने पहला पार्ट देखा था वो एक्सटीरियर है, ये आज हम इंटीरियर दिखाने वाले हैं। जो पहले की ऑडी आती थी वो और अभी की ऑडी में कितना डिफरेंस है Q7 में, वो आपको दिखाऊंगा। और इसकी लिंक, जो ये पुरानी वाली ऑडी है, नई वाली ऑडी की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, ताकि आप डिफरेंस जान पाओ कि कितना फ़र्क है। मुझे लगता है थोड़ा साइज़ में डिफरेंट है, तो और अंदर की स्पेस जो दी हुई है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके गाड़ी के बारे में बता दूँ कि ये ऑडी की तरफ से Q7 एक SUV है, जो 48V लिथियम आयन बैटरी है, 0.5 किलोवाट है। ऑटो फिर भी, मतलब आप ऑटो स्टार्ट कर सकते हो सिग्नल पे खड़े हो, तो थोड़ा बहुत पेट्रोल भी बचा सकते हो। तो डायमेंशन इसका बता दूँ मैं, 5064 mm लेंथ है, 1970 mm विड्थ है, 1703 mm हाइट है, 5 डोर है, 7 सीटर के ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। ये देखिए कितना स्मूथ है इसका स्टेयरिंग। अभी की जो प्राइस है वो 97.84 लाख एक्स शोरूम प्राइस है, तो तकरीबन आपको 1 point something में मिल जाएगी। आपको इंजन 2995 cc है, 3.0 का इंजन है, पावर है 335.25 bhp, टॉर्क है 500 Nm, ट्रांसमिशन है ऑटोमेटिक, टॉप स्पीड है 250 किलोमीटर। ओह माय गॉड, टू मच स्पीड है ये। ये देखिए, पहले में ये ऑटो पॉपअप होता था, मतलब आप पॉपअप करके स्क्रीन को ऊपर ला सकते हो। ये देखिए गियर शिफ्टर्स कितने स्मूथ है, स्मूथ गियर शिफ्टर्स है कंपेरेटिवली पहले की गाड़ी में और अभी की गाड़ी में बहुत फ़र्क है। इंटीरियर में काफ़ी सारा फ़र्क दिया है। मैं नीचे लिंक में जो दिया है वो भी आप वीडियो देखना, ताकि कंपेयर कर पाओ। पहले यहाँ पे टच पैनल दिया था, यहाँ पे आप टच पैनल से आप पूरा गाड़ी का, मतलब स्क्रीन के ऊपर होल्डिंग कर सकते हो। ये देखिए, जो भी सिलेक्ट करना है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे जो सर्कल दिया हुआ है, राउंड दिया हुआ है, उसी से भी कर सकते हो। ये छोटा सा स्पेस इधर भी है। कंपेरेटिवली साइज और इंटीरियर में ये पुरानी वाली थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, नई वाली में भी आप फीचर्स देख सकते हो। उसमें 2 स्क्रीन्स दिए, ये सब टच पैनल पे आ गया है। पुराने वाले में मैनुअल था सब कुछ, तो ये पुरानी वाली कार है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ताकि आप जान पाओ कि क्या क्या डिफरेंस है। ये देखिए, ऑटो एडजस्टमेंट सेम है, सेम तरीके से किया हुआ है। ये यहाँ पे भी स्पेस है, काफ़ी सारी चीज़ें रखी है। इसकी कंपेयर में ऑडी Q7 में वॉल्वो XC90 आ सकती है, मर्सिडीज बेंज GLB आ सकती है, BMW X5 भी आप ले सकते हो, वॉल्वो XC60 थोड़ी छोटी वर्जन में, जगुआर एफ पेस, लैंड रोवर की रेंज रोवर, BMW की भी कार आ सकती है इसमें। तो कंपैरेटिवली आप देखना चाहो तो ये कार का इंजन काफ़ी अच्छा है, पावर भी काफ़ी अच्छा है, स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। 740 लीटर की बूट स्पेस दी हुई है यहाँ पे। तो ये जो विंडशील्ड्स है, अच्छा ये पूरा टच है, आप टच करके ही लाइट्स ऑन ऑफ कर सकते हो। ये है AC के कंट्रोल्स जो सेपरेटली दिए हुए हैं, सेपरेटली क्लाइमेट कंट्रोल आप कर सकते हो, और ये आप समझ सकते हो किसके लिए है, कोई भी कचरा वगैरह डालना हो उसके लिए। ये देखते हैं हैंड रेस्ट में है, यहाँ पे बटन प्रेस करके, थोड़ा पुराना है इसलिए थोड़ा ज़्यादा बटन प्रेस करना पड़ रहा है, पर फिर भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए, हमने एक एक्स्ट्रा कैमरा भी लगाया हुआ है, ये कंपनी के साथ नहीं आता, ये आपको एक्स्ट्रा फिटिंग में डालना पड़ता है। ये देखिए कैसा बड़ा सनरूफ दिया है, बहुत ही अच्छा सनरूफ है। यहाँ पे सनरूफ आप ओरिजिनली एंजॉय करना चाहते हो तो ये बड़ी कार के साथ ही एंजॉय कर सकते हो।
ज़्यादातर इंडिया में सनरूफ यूज़ नहीं होगा क्योंकि सनरूफ का कॉन्सेप्ट पूरा फॉरेन कंट्रीज में से आया है, जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है और गर्मी नहीं पड़ती है। यहाँ पे गर्मी के अलावा कुछ नहीं होता है, यहाँ अभी भी 44 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हो सनरूफ कितना काम आएगा। हम वैसे भी पूरे दिन जलते ही रहते हैं, ये देख सकते हो। दूसरी भी कार मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे जाके, हमारी नई कार X7, BMW X7 मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये सनरूफ हम बंद कर देते हैं। पैसा खर्चना हो तो सब कुछ दे सकते हैं कंपनी में, डिपेंड है आपको कितना खर्चा करना है। मतलब ये कार ले ली उसके बाद भी आप खर्चा कर सकते हो, उतनी कैपेसिटी होती है कंपनी वालों के पास, पता नहीं कहां कहां से सोच के आ जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप 7 सीटर का भी ऑप्शन ले सकते हो, अगर आपको 7 सीटर करनी है तो कर सकते हो, पर 5 सीटर बराबर है क्योंकि 7 सीटर में पीछे बैठने की स्पेस नहीं रहेगी उतनी। ये देखिए पीछे के एडजस्टमेंट, आप जंपर ऊपर नीचे भी कर सकते हो, मतलब इसकी हाइट बढ़ानी है तो बढ़ा सकते हो, सीट को फोल्ड करना है तो भी कर सकते हो। यहाँ पे हैंगर भी दिया हुआ है तो हैंगर पे भी रख सकते हो। यहाँ पे सेपरेटली आपको अगर स्टोरेज करना हो तो भी कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अगर बैग वगैरह आपने रखी हो और गिरे नहीं उसके लिए, तो सीट फोल्ड करके आप कर सकते हो ये सब। तो यहाँ पे सीट फोल्ड की हुई है हमने। ये पुरानी वाली है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, नई वाली देखने हो तो नीचे की लिंक पे क्लिक जरूर करना ताकि आपको पता चले। तो काफी सारे फीचर्स चेंज कर दिए गए हैं, इंटीरियर भी काफी चेंज है और नया वाला इंटीरियर काफी मॉडर्न लुक में है। और साइज के बारे में बताऊं तो ये थोड़ा साइज में बड़ा दिख रहा है। ये देखिए हमने पीछे भी एक क्यूब कंपनी का आता है वो कैमरा लगाया हुआ है, तो इसमें इनबिल्ट मेमोरी भी रख सकते हो, आगे की तरफ पीछे की तरफ दोनों तरफ। तो ये है हमारी कस्टमाइज Q7 जो हमने बाहर से पूरी ब्लैक की हुई है। कैसी लगी हमें कार जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे और भी कार लेके आऊंगा, देखते रहिए, स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।